तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम एक अटेंडेंस पे पिवट टेबल के अंदर एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ कि मेरे पास डेटा क्या है। तो मेरे पास दो तरह के डेटा है। तो ये डेटा क्या है, ये हमारे जो बायोमेट्रिक और एक्सेस कार्ड का जो डेटा होता है ना, जो आप जिस मशीन पे अपना कार्ड पंच करते हैं सटाते हैं तो आपकी डोर ओपन हो जाती है या फिर अटेंडेंस दर्ज हो जाती है, तो ये उसी का डेटा है। इसमें पर्सन का नेम है और उसने अपने कार्ड को कब कब पंच किया है। तो बेसिकली ये डेटा एक एडमिन टीम का है जो हर महीने एचआर टीम को अटेंडेंस का एक प्रिंट आउट भेजता है कि हाँ एज पर एक्सेस मशीन किस किस का कार्ड पंच हुआ है किस किस दिन, ताकि वो अटेंडेंस को मैच कर सके। ऐसा तो नहीं कि किसी दिन किसी ने अटेंडेंस लगा हुआ है, प्रेजेंट लगा हुआ है, लेकिन एक्सेस कार्ड का कोई भी कार्ड पंच नहीं हुआ, एक्सेस कार्ड कभी यूज हुआ नहीं है डूट ओपन करने के लिए। तो ये दो मैचिंग हमें करना होता है। समझ में आया ना सर विक्रांत गुप्ता जी? हाँ जी सर। तो जो एक्सेस कार्ड का दो तरह का डेटा आया है, पहला डेटा हमारे पास है ये है जिसमें नेम है और किसने कब का अपना कार्ड पंच किया है। इसमें इन आउट का सिस्टम नहीं है, वो किसी भी मशीन पे कार्ड को सटाया है और उसका यहाँ पे डेटा आ गया। तो हम लोग कई बार ऑफिस में आते जाते हैं, बाहर निकलते हैं, लंच के लिए जाते हैं, किसी से मिलने चले जाते हैं, फिर अंदर आते हैं ना, वो सारा रिकॉर्ड है। एक पर्सन ने यहाँ पे कई बार कार्ड को पंच किया। अब मुझे इस पे रिपोर्ट ये बनानी है कि अगर किसी ने एक बार भी कार्ड को पंच किया है तो यहाँ पे अटेंडेंस प्रेजेंट आ जाए और नहीं तो अब्सेंट आए। ओके तो ये पिवट टेबल के थ्रू करना चाहता हूं। तो डेटा को सिलेक्ट किया, पिवट टेबल पे क्लिक किया एंड ओके। फिर हमने नेम को यहां पे रखा और जो डेट है डेट को हम कस्टमर में रख देते हैं। तो डेट इस तरह से आ जाता है। हमने आपको पिवट टेबल में ग्रुप पढ़ाया था, याद होगा, क्योंकि ये जो आया हुआ है इस तरह से आया हुआ है जो कि गलत है। हमें ग्रुप आपको पढ़ाया था, तो इसको सबसे पहले तो करेंगे अनग्रुप और फिर राइट क्लिक करेंगे ग्रुप और ग्रुप में हम डेज को सिलेक्ट करेंगे। शिवटैन जी देखिए ध्यान से, हम ग्रुप में डेज को करेंगे। आपने ग्रुप वाली क्लास की कोई चीज आप अप्लाई नहीं किया था? नहीं तो सर, मैं यहाँ पर जब आपने ग्रुप अप्लाई किया ना, तो मैं यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर रहा था मिनट्स भी, क्योंकि वो तो मिनट्स और टाइम और आवर दिया। नहीं तो सब ग्रुप होने थे। इसमें तो सिंपल सी बात जानी है ना कि एक दिन में कितना बार पंच किया, उसे हमें यहाँ पे एक दिन देर चाहिए ना। एक दिन की अटेंडेंस एक ही बार लगेगी ना, बात समझे? एक दिन में 10 बार या 20 बार या 50 बार एक्सेस कार्ड यूज किया होगा, लेकिन हम काउंट तो एक दिन की एक अटेंडेंस ही करेंगे ना उसमें। अब कितना बार कार्ड स्कैन किया है, तो स्कैन डेट को यहाँ वैल्यू में रख दीजिए और डिफॉल्ट काउंट आएगा, नहीं हो तो आप यहाँ पे काउंट पे क्लिक करें। तो देखिए काउंट आ गया, आ गया। अब इसमें जिस दिन वो नहीं आया है उस दिन का ब्लैंक है, तो पिवट टेबल ऑप्शन पे जाऊंगा और मैं बोलूंगा, हालांकि मैं यहाँ पे एब्सेंट भी लिख सकता हूं, लेकिन यहां एब्सेंट ना लिख के मैं यहां जीरो कर देता हूं। अब हमें यहां जीरो को एब्सेंट में कन्वर्ट करना है और जो नंबर्स है उस नंबर्स को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे हम यूज करेंगे अपना कस्टम फॉर्मेटिंग, याद होगा आप लोगों को, नंबर फॉर्मेट में हम गए, कस्टम फॉर्मेट में गए। यहां पे हमने बोल दिया पी, तो पहला पोजीशन होता है पॉजिटिव नंबर का, फिर सेमी कॉलन दिए। दूसरा पोजीशन होता है निगेटिव वैल्यू का, बट निगेटिव कुछ नहीं है तो ऐसे ही मैं ब्लैंक छोड़ दिया। और तीसरा वैल्यू होता है जीरो का, तो हमने ए लिख दिया। तो यहां पे क्या होगा, जो भी पॉजिटिव नंबर है उसके जगह पे पी को शो करेगा, पी दिखेगा। पॉजिटिव नंबर में हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, किसी किस्म का इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आप जो मर्जी शो लिख सकते हैं।
तो फिर उसका डिफरेंस क्या रह गया कि हम पॉजिटिव में भी टैक्स लिख रहे हैं या फिर जो हमारा एंड पे होता है एट द रेट वो भी टैक्स होता है, ये भी टैक्स है वो भी टैक्स है? नहीं समझे। यहाँ पॉजिटिव नंबर से पहले बाद में या उसके जगह पे किसी टैक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बात समझे? ओके। किसी पॉजिटिव नंबर के पहले बाद में या उसके ऊपर, तभी क्या है उसके ऊपर हो रहा है, इसके आगे मैं जीरो दे दूंगा तो पहले होगा, इससे पहले जीरो दे दूंगा तो बाद में होगा, यहां दिख रहा होगा टू पी दिखे ना जी जी, हम कोई जीरो या हैश नहीं दे रहे हैं तो उसकी जगह पे होगा। ठीक है। और रेट क्या होता है कि भाई टैक्स की जगह पे यहाँ पे टैक्स होना चाहिए। ओके ओके, अब इन्वर्टेड कॉमा में टैक्स दीजिए, नंबर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वर्टेड कॉमा में जो भी दीजिएगा वो शो करेगा, लेकिन पोजीशन बताता है कि डेटा क्या है, किस डेटा के जगह पे क्या शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव के जगह पे पी, नेगेटिव के जगह पे कुछ नहीं, ब्लैंक, ऐसे नेगेटिव है भी नहीं हमारे पास इसमें, और जीरो के जगह पे एब्सेंट, जैसे मैंने ओके किया यहाँ पे आपको दिख गया। अब लेकिन टोटल वगैरह आ रहा है तो पिवट टेबल ऑप्शन पे गया और टोटल एंड फिल्टर्स पे गया और मैं यहां से ये टोटल्स को हटा दिया। अब ये अटेंडेंस बन गई, अब मैं इसकी प्रिंट आउट निकाल के आराम से इसको शो कर सकता है, इसको एक काम प्रिंट आउट एक पेज पे तो निकलेगा नहीं, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद राइट यहाँ पे राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं, यहीं पे हमारे पास होता है ना अलाइनमेंट में चेंज करने का, हमने इसको चेंज कर दिया, फिर इसको डबल सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर दिया तो ये ऑटो फिट हो, अब एक पेज पे प्रिंट निकल जाएगा और हम भेज देंगे। विक्रांत गुप्ता जी, समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। तो पहला क्वेश्चन तो ये था, दूसरा मेरे पास है कि मेरे पास इन का और आउट का अलग अलग है, मुझे जो रिपोर्ट बनानी इस तरह से बनानी है कि नेम, डेट, इस डेट में कितना बजे इन हुआ और कितना बजे आउट हुआ, और जिस दिन नहीं आया उस दिन का यहां पे एब्सेंट शो करें। ओके, ठीक है, चलिए तो हम यहां पिवट टेबल एंड ओके, हम नेम को तो रखेंगे रो में, ठीक है, और इन को रख देते हैं कॉलम में, ठीक है। अब बोलेंगे सर इन को आपने कॉलम में क्यों रख दिया, हमने आउट को भी तो रख सकते थे। तो मान लीजिए कि आप 7 तारीख को 2 बजे दोपहर में ऑफिस गए और 8 तारीख को भोर में मॉर्निंग में 3 बजे ऑफिस से आए या 2 बजे या 1 बजे ऑफिस से आए, तो अटेंडेंस आपकी 2 तारीख की मानी जाएगी या 3 तारीख की मानी जाएगी? 2 तारीख की, हाँ, इनको गया हूँ बिल्कुल, इसलिए हमने इनको जो है कॉलम में रखा है ताकि डेट ऊपर आ जाए, और जाहिर सी बात है वही अनग्रुप करेंगे और इसको वापस हम ग्रुप कर लेंगे ताकि एक डेट एक बार आए, तो हर दिन की इन डेट आ गई। अब मैं इनको भी यहां रख दिया और आउट को भी यहां रख दिया, लेकिन नंबर में है, मैं नंबर में नहीं लूंगा, हम इनको बोलेंगे मिनिमम कि सबसे पहले एंट्री कब हुई है, और आउट को हम बोलेंगे मैक्सिमम सबसे लास्ट में कब हुआ है। अब बोले सर ये क्या हुआ, तो आप डेटा को देखिए, जो ये दिख रहा है ना डेट और टाइम, अगर इसको जर्नल फॉर्मेट में करते हैं तो क्या होता है, ये डेट होता है ना, तो जो नंबर है वो डेट है और जो डेसिमल पॉइंट है वो टाइम है, पर टाइम को इस तरह से कैलकुलेट किया गया है कि 24 घंटे इट मींस 1, समझे? अगर आपने 23 घंटे आपने अगर 23 घंटे किया हुआ है तो 23 घंटे को 24 घंटे के हिसाब से ऐसा कैलकुलेट किया गया है कि वो पॉइंट भी उसी तरह से आएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे 23 घंटा लिख देता हूँ और इसको आप जनरल फॉर्मेट में करें, 958333। तो हमने बोला कि जो सबसे हाईएस्ट होगा डेसिमल्स में
वो आउट होगा, और जो सबसे लोएस्ट होगा वो सबसे पहले आया होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि 10:20 में आया और यहां पे 10:40 में आया, तो मिनिमम साहब ऐसा एक चीज बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या, जैसे अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं ना कॉलम बी पे, तो डे डे की जगह आप सीधा टाइम लो ना, तो ये चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए फिर मेरे ख्याल में। क्या टाइम? जैसे आपने अगर पिवट टेबल पे जो ग्रुप करके जो अनग्रुप किया ना, इसमें अगर आप राइट क्लिक करेंगे कॉलम बी पे, नहीं कॉलम बी पे, तो ये डेटा फॉर्मेट में आया हुआ है, डेटा मेरा बनाया हुआ नहीं है ये डेटा। नहीं नहीं मैं समझ गया, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपने जो ग्रुपिंग करी है ना, जैसे उस पे आपने डे लिया है ना, अगर आप उसकी जगह, हाँ यहाँ पे बात कर रहे हैं आप, हाँ जी हाँ जी, अगर आप ग्रुपिंग जो अपने करी है तो इसको अगर अनग्रुप जो किया था वो वाला स्टेप बताएंगे। अगर बात ये है ना कि यहाँ पे अगर हम टाइम लेंगे तो यहाँ डेट भी तो शो होना चाहिए ना, एक तारीख को एक जून, आपको एक जून दिख गया ना इन हो गया और ए आउट हो गया। अब इसको टाइम फॉर्मेट में ले लीजिए एक बार, बताता हूँ आपको एक बार टाइम फॉर्मेट में ले लेके मैं समझाता हूँ। मैं टाइम फॉर्मेट में ले लिया, राइट क्लिक किया, पिवट टेबल ऑप्शंस, टोटल एंड फिल्टर आ गया, टोटल नहीं चाहिए हमें, और ए मिनिमम आउट है तो इसके जगह पे इन लिख दिया, स्पेस दे दिया तो सारा इन हो गया, और यहाँ पे आउट दे दिया, स्पेस दे आउट हो गया। अब बताइए इसमें हम डेट ना लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि किस डेट को कब आया कब गया? तो ऊपर फर्स्ट जून है नहीं सर? तो फर्स्ट जून है तो डेट तो चाहिए होगा ना, जैसे विक्रांत जी बोला था डेट के जगह पे टाइम ले लीजिए, अगर एक दिन का होता तो टाइम ले सकते थे ना। नो मेरा मतलब सर, नहीं नहीं आप डेट तो आप ले ही रहे हैं, जो कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से अगर आप एक और कॉलम लेते हैं और उसको अनग्रुप कर देते हैं और फिर ग्रुप ऑफ टाइम बेसिस पे करते हैं, तो हमारा डिफरेंस बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? फिर वो कॉलम भी ना होगा, डेटा में तो कैलकुलेट ही होगा ना सर, ये में ग्रुप अनग्रुप थोड़ी होगा। आप जो ग्रुप अनग्रुप करेंगे वो कॉलम में या रो में करेंगे ना, हमें तो यहाँ डेटा में टाइमिंग चाहिए ना। तो हो सकता है 1 जनवरी को 10 बार क्या थी 15 बार उसने पंच किया हो, उसने क्या किया सबसे लोअर टाइम को यहाँ पे उठा लिया और सबसे हायर टाइम को इसने आउट कर लिया। तो सुबह रात के 12:45 में आया है और सुबह 8:41 में चला गया है, ठीक है ना। तो ये आपका इन और आउट आ गया, और जहां जहां आपका ये ब्लैंक है तो पिवट टेबल ऑप्शन में हम यहां ब्लैंक के जगह पे ये दे देते हैं, वहां पे हमारा ऑप्शन जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे काम खत्म नहीं होता है। अब जैसे कि ये ब्लैंक है तो हमने इसको, क्योंकि हमें किसी को मेल करना है तो एक सही फॉर्मेट में भेजना होगा ना, तो पिवट टेबल फॉर्मेट में आते हैं और इसको मर्ज हम कर देते हैं, मर्ज हो गया, और यहाँ पे हम नेम ले लेते हैं नेम, और फिर हम डेटा को यहां से उठा देंगे, क्योंकि पिवट के बाद इस डेटा को उठाने के बाद मुझे वापस कॉपी करके वैल्यू पेस्ट करना है किसी अलग फाइल, मान लीजिए मुझे यहाँ करना है, वैल्यू पेस्ट हो गया और इस पर मैं अपना ये लगा देता। अब इसमें मुझे क्या करना है कि इसकी डिफरेंस को ऐड करना है, बात समझे कि कितना घंटा उसने काम किया। तो अब मैं मुझे अगर हर सेट में एक एक कॉलम ऐड करूं और यहां पे डिफरेंस डालूं तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा ना, इसके लिए सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें क्या करना है कि हर कॉलम के बाद एक, हर दो कॉलम के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना। तो हमने 1-1 लिखा, इस पे +1 कर दिया, हर नंबर को 2 बार हम रिपीट कर देंगे। अब मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां वैल्यू पेस्ट कर देता। अब यहां पे हम सॉर्टिंग मेथड यूज करेंगे,
हाईएस्ट कितना तक है? 30 तक है। अब मैं यहां पे नंबर को लिखूंगा दोबारा 30 तक, लेकिन सिर्फ एक एक बार। हो गया। अब यहां पे हमें चाहिए वर्किंग, नीचे देना ना यहां पे, और यहां पे टाइम ही सिर्फ देता हूं ना, आवर्स आवर्स सही रहेगा, हेडिंग ना जोड़ी है आवर्स। अब मैं पूरे डेटा को सॉर्ट करता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा नेम को सिलेक्ट ना करो, और यहां हम कस्टम सॉर्ट पे जाते हैं, ऑप्शन सॉर्ट लेफ्ट टू राइट एंड रो नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम सॉर्ट करें, सॉर्ट नहीं हुआ, रीजन है कि ये मर्ज सेल है, तो मुझे इसको अनमर्ज करना पड़ेगा। कस्टम शॉट ऑप्शंस शॉट लेफ्ट टू राइट रो नंबर 1, हो गया सर? ठीक है, हमें ऊपर वाले जो 1 है उसको यहां से डिलीट कर देता, डिलीट कर दिया और फिर को मैंने मर्ज कर दिया तीनों को, और फिर इसको आगे तक ड्रैग कर देता, वो तो फर्स्ट जोन को ड्रैग करेगा, फिर कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो मैं इसको प्लस 1 करके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। फिर भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, मुझे इस पे अब एक एक करके माइनस करना होगा ना, आउट माइनस इन, तभी तो टाइम डिफरेंस निकलेगा, तो उसके लिए हमारा हेल्प करेगा स्पेशल। इस गो टू स्पेशल में हमने बोला कि हमें ब्लैंक को सिलेक्ट करो, तो इसने जितने ब्लैंक्स थे सबको सिलेक्ट कर लिया। ध्यान रखिएगा क्या होता है कि आपने एक एरिया ब्लैंक सिलेक्ट किया, एक एरिया सिलेक्ट किया हुआ, तो सिलेक्शन के बाद भी टाइप कर सकते हैं कहां, जहां पे इस तरह का हाइलाइटेड हो या यहां पे जो एड्रेस लिखा हो C19, और इसको टैब से मूव भी किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर टाइप करके एंटर मारेंगे तो उसी सेल पे टाइप होगा, लेकिन आप कंट्रोल एंटर प्रेस कर देते हैं तो उसको कॉपी करके पूरा सिलेक्टेड में पेस्ट कर, ये दोबारा बताइएगा प्लीज, ये चीज सिलेक्टेड एरिया में आप टाइप कर सकते हैं, टाइप करने के बाद एंटर मारेंगे तो नॉर्मल टाइप होगा, जैसे टाइप हुआ नॉर्मल, लेकिन एंटर के जगह पे कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो जो भी सिलेक्टेड एरिया होगा उस सब पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है विक्रांत जी, समझ में आया आपको? तो इस प्रोसीजर हम यहां अप्लाई करेंगे, तो अभी मेरा कर्सर कहां है, A1 पे, मैं टैब प्रेस किया, ओके, इसने एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है, छोटी सी गलती हो गई है कि जो जो हम करते हैं ना यहाँ पे कंट्रोल जी स्पेशल, और यहाँ पे जो हमने ब्लैंक किया तो इसने ऊपर जो मर्ज सेल है उसको भी इसने कंसीडर कर लिया, एक कंसीडर नहीं करना चाहिए था, तो उसका एक उपाय है कि हम इसको नीचे तक बाद में उसको डिलीट कर देंगे, कंट्रोल जी स्पेशल
ब्लैंक। तो अब वही सिलेक्ट हुआ, ए ऊपर किसी सिलेक्ट नहीं हुई। मैंने क्या किया यहां पे आउट माइनस इन कर दिया, राइट। और नॉर्मल एंटर मारेंगे, कंट्रोल एंटर मारेंगे, आ गया सही। और उसके बाद हम इसको यहां से डिलीट कर देते। अब यहां पे एरर आ गया, अब मुझे एरर को हटाना है। हालांकि फॉर्मूले में इफ एरर वगैरह लगा सकते थे, बट हम फॉर्मूले नहीं लगाना चाहते किसी कारण से। तो यहां पे क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, और यहां पे कंटेन में यहां पे एरर्स फॉर्मेट, हमने इसकी फॉन्ट कलर को व्हाइट कर दिया, ओके एंड दैट्स इट। विक्रांत गुप्ता जी एंड रिप्टन जी बताइए, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। इतना कुछ आपने बता दिया है तो अच्छा ये बताइए, अभी जो चीजें मैंने बताई है इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन था जो मैंने आपको ना बताया हो, ना पढ़ाया हो? ये कंट्रोल जो जी वाला और गो टू स्पेशल और वो जो है ना, वो जो आपने पार्ट किया ना सिलेक्ट करके फिर आपने कहा कंट्रोल एंटर करोगे, बाकी सारी चीजें तो पढ़ाई थी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर एक चीज आप बता दो मुझे वेरी क्विकली, जैसे आपने जो रो में जो अपने सीधा फर्स्ट जून का सेकंड जून कर दिया, ड्रैग कैसे किया इसको रो वाइज? समझे नहीं मैं ये इसको। हाँ फर्स्ट जून के बाद आप सीधा आप आगे तक ले गए हो ना इसको, उसको फिर शॉर्ट कट प्लस कर दिया ना। हाँ कर दिया, उसके बाद कॉपी पेस्ट कर दिया या ड्रैग कर दिया इसको इस तरह से। होता है क्या नहीं पता, होता है क्या है जब भी आप डेट डाले, ये भी एक चीज सीखने वाली चीज है समझे। डेट लिखना पड़ रहा है ना, तो इसे डेट लिखना पड़ रहा है, तो उसको ड्रैग मत कीजिए। अच्छा ड्रैग करेंगे तो अगले महीना फिर आपको दूसरा मंथ होगा, तो फिर से ड्रैग करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो ड्रैग की जगह पे क्या करेंगे आप, एक डेट लिखिए बगल में आप कीजिए इसमें, ठीक है, इसको ड्रैग कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि अगले महीने बस आप यहाँ पे पहला डेट डाल के एंटर प्रेस करेंगे, बाकी अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है समझ गए। हाँ जी ठीक है। और सर अगर मैं चाहता हूँ कि आपने जैसे बिल्कुल चले आपने एक अच्छी चीज बता दिया, मैं चाहता हूँ कि हर एक वीक के बाद मेरा स्पेस आए यहाँ पे 7 फेब के बाद स्पेस। हाँ तो उसमें कोई सी बड़ी बात है, हम यहाँ पे 7 बार ए लिख देंगे यहाँ, तो 1 2 3 ये हमारा 7 तक 1 लिख दिया, और फिर इसके बाद इसमें प्लस 1 कर दीजिए। मुझे 7 बार 2 आएगा ऐसे। अच्छा वो ठीक है ठीक है, ऐसे आप स्पेस डालने के लिए। हाँ 7 बार आएगा 3 आएगा। अब बाद में जब इसको जब हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट हो गया ना, तो फिर यहाँ पे आप 1 2 3 4 and 5 कर दीजिए, फिर सेलेक्ट करके सॉर्ट कर दीजिए। अब ये 1 उठ के 7 के बाद यहाँ आ जाएगा इस तरह से, सॉर्ट करेंगे तो जैसे कि यहाँ उठ के आ जाती है हर चीज दूसरे के बाद, दूसरे का उठ के आया था ना ऐसी तो आया था। ठीक है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये फाइल चाहिए होगा प्रैक्टिस के लिए विक्रांत जी। हेलो शिवटेन जी आपके पास तो है? हाँ मेरे पास है ये फाइल। शिवटेन जी आपको भेज दूं? नहीं मेरे पास है ये, विक्रांत को भेज दें। विक्रांत जी भेज दूं आपको? म्यूट है विक्रांत जी। हेलो विक्रांत जी, मैंने भेज दिया आपको, ही बना बनाया फाइल भेज देता हूँ, सही रहेगा। चलो ठीक है चलो, मैं इसकी ना प्रैक्टिस कर मिलते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर।